असलम टू एवरी वन वेलकम बैक आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक द लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी जी लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया क्विट इंडिया मोमेंट के बारे में डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में और इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन फोटी सेवन अकॉर्डिंग टू विच टू कंट्रीज़ केम इन टू एग्जिटेंस दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ गांधी जी ऑब्जर्वड द डे ऑफ इंडिपेंडेंस एकॉर्डिंग टू दिस सोर्स

और जो ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था नाइनटीन थर्टीज़ में तो उसको होस्ट किया जा रहा था तो गांधी जी ऐसे फेस्टिव ओकेजन पे मौजूद नहीं थे वो उस टाइम पे कहाँ पे थे ही वॉज़ इन कलकत्ता और उन्होंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अटेंड नहीं की ना ही कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट की बल्कि ही मार्कड द डे विद द ट्वेंटी फोर आवर्स फास्ट तो वो चौबीस घंटे फ़ास्ट पे रहे उनने कुछ नहीं खाया बिकॉज ऑफ द पेनफुल मेमरीज ऑफ़ द पास्ट जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस आई दैट वाज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस बट दैट केम विद ब्लड शेड एंड द पार्टीशन व्हेन वी से ब्लड दैट स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड देन सेपरेट टू डिफरेंट रिजन ब्रिटिश इंडिया स्पेशली टू द पंजाब लाहौर सिंध यूपी एंड रेस्ट ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रियॉर्ट्स हो गए बिकॉज पीपल व आयर फाइटिंग विद ईच अदर ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टोटली साइलेंट ही वॉज़ नॉट रेडी टू टैकल द सिचुएशन तो ऐसी सिचुएशन में हिंदूज़ मुसलमानों को मुस्लिम सिख्स को सिख्स पता नहीं किसको आपस में लोग लड़ रहे थे अब क्यों लड़ रहे थे ये बताना मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में जो किलिंग्स हो गई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी सड़कों पर खून था ड्रेनज़ में खून था जो कुएँ थे वहाँ पर खून नज़र आ रहा था घर खून से लथपथ थे तो साथ ही में जो लोग जख्मी हो गए उनसे हॉस्पिटल भरे पड़े थे और साथ ही में जो माइग्रेशंस हो गई वो बहुत ज़्यादा हो गई बिकॉज पीपल वर आस्कड टू लीव दियर वट वी कैन से सैसेस्ट्रल हाउसेज़ एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एनसेस्ट्रल विज़ज एनसेस्ट्रल वट वी कैन से प्लेस एंड टू माइग्रेट अ न्यू डिस्टेंट लैंड तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए जो जो नॉन मुस्लिम्स थे इसी तरह से हिंदुस्तान से काफ़ी सारे मुसलमान माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए तो जो ये लोग माइग्रेट हो गए दे केम टू बी नोन एज रिफ्यूजीज तो इन रिफ्यूजीज के लिए सबसे पहले प्लेस ढूंढनी थी कहाँ पे रखेंगे इनको क्या खिलाएंगे किस हालत में इनको रखेंगे बिकॉज दे हेर लॉस्ड दियर प्रॉपर्टीज़ देयर रिलेटिवज़ वॉट वी कैन से लाइवलीहुड एंड दे वट वी कैन से ऑल काइंड ऑफ देयर नीयर्स एंड डयर्स तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी डिसाइड नॉट टू तो ऑब्ज़र्व वाट वी कैन से इंडिपेंडेंस डे So that's why he marked the day with 24 hours fast. At the same time, according to, the, according to his biographer, DG Tendulkar, he says that Bapu went round hospitals and refugee camps giving consolation to the distrusted people. तो जो बापू यानी गांधी जी थे वो उस टाइम पे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में गए उन रेफ्यूजी कैंप्स में गए जहाँ पे माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से और उनसे बात की उनको तसली दी या उनको किसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो मेमरीज़ है वो किसी तरह से वो पेन थोड़ी सी कम हो जाए सो ही अपील टू दिक्स द हिंदूज़ द मुस्लिम्स टू फॉग द पास्ट एंड मेंटेन द ब्रदरहुड उनकी एक स्टेटमेंट थी सारे लोगों से चाहे हिंदू थे मुस्लिम थे सिख थे कि आप किसी तरह से ये पास्ट भूल जाइए और ब्रदरहुड जो है उसको मेंटेन कीजिए सो दीज स्टेटमेंट्स वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम व्हेन ऑलमोस्ट होल नॉर्थ इंडिया वाज इन क्यूस एंड कंफ्यूजन, कन्फ्यूजन वैन देयर वाज ब्लड शेड एवरी इन इंडिया वैन पीपल आर किलिंग ईच अदर वैन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज साइलेंट वैन देयर वॉज नो लीडर टू रेस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल सो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी की ये स्टेटमेंट्स गांधी जी का लोगों से मिलना इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी हीरोइक एक्टिविटी लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और कुछ फैक्ट्स के बारे में सो एट द इनिशियटिवज ऑफ गांधी एंड द नेहरू द कांग्रेस नाव पासड रिजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज तो जैसा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान थे तो नॉन मुसलिम्स माइनॉरिटी बन गई इसी तरह से हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदूज़ थे या नॉन मुस्लिम्स थे तो मुसलमान या बाकी कुछ ग्रुप्स जैसे जिनमें क्रिश्चन्स थे जिनमें बुद्धिट्स थे जिनमें जैनस थे तो वो माइनॉरिटी या सिक्स थे वो माइनॉरिटी बन गई तो इन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू जी गांधी जी ने कांग्रेस को ये मशवरा दिया दैट इट शुड पास अ रेजोल्यूशन इन विच द माइनारटीज़ वुड बी गिवन प्रॉपर राइट्स सेफ गार्ड तो इस तरह से वो रेजोल्यूशन फेमस रेजोल्यूशन पास हुआ जिसका नाम पड़ गया दाइट्स ऑफ माइनॉर्टीज़ रेजोल्यूशन इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जितने भी माइनॉर्टीज़ हिंदुस्तान में होंगी उनको बराबर राइट्स मिलेंगी उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी उनको फ्रीडम प्रोवाइड करेगी उनको इक्वलिटी देगी सो कांग्रेस बिलीव डेट वॉट एवर बी दचुएशन इन पाकिस्तान इंडिया वुड बी ए डेमोक्रेटिक सेक्ुलर स्टेट वायरऑल सिटीजनस एन्जॉय इक्वेली इक्वेलिटी एंड टायल टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन टू विच दे बिलोंग तो नेहरू जी का यह माना था दैट पाकिस्तान कुछ भी हो चाहे वो डिकटेटरशिप uh, वहाँ पे हो या कोई और रूल हो वहां पर तो हमें उससे कुछ नहीं बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगी जो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी या फिर सारे रिलीजन को सपोर्ट करेगी और साथ ही में डेमोक्रेटिक यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों की ही होगी लोग इलेक्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट और इसी गवर्नमेंट के मुताबिक सारे सिटीज़न्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे भले ही वो किसी भी मज़हब के हों किसी भी कास्ट के हों किसी भी कलर के हों किसी भी कम्यूनिटी के हों उनको बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी तो इस फेमस रेजोल्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को आ, कुछ रिलैक्सेशन या हम कहेंगे थोड़ा बहुत जो सिक्योरिटी फील करने का सेंस वो दिया सो मिनी स्कॉलर्स हैव रिटन ऑफ द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ बीइंग गांधीज़ फ़ाइनेस्ट आवर्स बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं हिस्टोरियंस हैं जिनने गांधी जी के इन जो ये हम कहेंगे वर्स्ट डेज थे उनमें उनका रोल जो उन्होंने प्ले किया लोगों से मिले लोगों को पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एडवाइस दी तो इन डेज को वो कहते हैं फ़ाइनेस्ट आवर्स ऑफ द

रियाट एरिया में जाना चाहते थे जहाँ पे ब्लड शेड हो रहा है लोगों को अपील करना कि स्टॉप कीजिए ब्रदरहुड मेंटेन कीजिए ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहिए तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते रहे कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट की बट देर वर सम पीपल हु आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स एंड वाट वी कैन से एक्टिविटीज़ ऑफ गांधी जी तो देखते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ सो वाइल इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली गांधी गांधीज़ मीटिंग्स वर डिस्ट्रप्ट बाय द रिफ्यूजीज़ हो ऑब्जेक्ट टू रीडिंग फ्राम द कुरान और शव डिड स्लोगकिंग वाई गांधी डि नॉट स्पीक ऑफ द सफरिंग हिंदूज एंड सिक्स स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान तो कुछ रेफ्यूजीज़ जब गांधी जी रेफ्यूजी कैम्प्स में गए तो वहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज़ ने अपोज़ किया क्योंकि गांधी जी ने कहीं बार कुरान की जो वर्सेस uh, है उनको रिसाइट किया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि जो ये कंट्री है ये सब की कंट्री है एंड वी हैव टू लिव विथ ईच अदर वी हैव टू लिव टू टुगेदर इन दिस कंट्री तो ऐसी सिचुएशन में कुछ रेफ्यूजीज़ खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करें वाई नॉट अबाउट हिंदूज़ एंड सिक्स वो लिव इन पाकिस्तान उन हिंदूज़ का क्या होगा उन सिक्स का क्या होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों ने अटैक भी किया अटम्प्ट भी किया गांधी जी को मारने की कोशिश भी की गई एंड देट वॉज डन ऑन ट्वेंटी ऑफ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट बट ही कैरीड ऑन अन वट वी इन से ड्योनेटिड इट मीन्स ही सेविड हिज लाइफ समबडी सेवड हिज लाइफ एंड ही केम आउट वट वी कैन से विदाउट एनी इंजुरी और विदाउट एनी हार्म तो नाइनटीन फोर्टी एट में जो उन पर अटैम्प्ट किया गया वो तो फेल हुआ बट लेटर ऑन एक और अटैम्प्ट हुआ जिनमें गांधी जी की डेथ हो गई ऑन स्पॉट सो ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी ही स्पोक एट हिज़ प्रेयर मीटिंग ऑफ़ हाउ द डे हैड बीन सेलिब्रेटेड इन द पास्ट एज़ इंडिपेंडेंस डे यानी ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी तो गांधी जी ने ऐसी ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी को एक प्रेयर मीटिंग में जब वो प्रेयर्स कर रहे थे लोगों के बीच में खड़े थे तो उन्होंने याद दिलाया कि नाइनटीन थर्टी में हमने एक दिन ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंस डे उस टाइम पर हालांकि हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली थी हिंदुस्तान वॉज सेटल अंडर ब्रिटिश रूल लेकिन कांग्रेस ने एक कॉल दी थी डेट ऑल पीपल इन इंडिया शुड ऑब्जर्व ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी एज इंडिपेंडेंस डे अब चूंकि उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिली तो फोटी सेवन के बाद इस डे को इम्पोर्टेंट माना गया बाद में कांग्रेस ने इसी डे को इम्पॉटेंस दी जबकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो जो हिंदुस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो ट्वेंटी सिक्सथ जनवरी 1950 को लोगों तक पहुंचा और इसीलिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वो एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया तो खैर ही एश्योर द पीपल दैट माइनॉरिटीज इन इंडिया वुड बी गिवन इक्वल्टी एंड द प्रोटेक्शन तो उनकी एश्योरेंस थी सारे लोगों को इक्वालिटी मिलेगी प्रोटेक्शन मिलेगी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी तरह की माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी अब ये किस हद तक सच है वो आगे चल देखेंगे सो एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ थर्टीथ जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन नेमली नथू राम गोडसे हु वाज अ ब्राह्मण फ्रॉम पुने सो ही वाज एन एडिटर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर ही हैड अनाउंसड गांधी एज एन अपीजर और सपोर्टर ऑफ द मुस्लिम तो 1948 को so, 30 जनवरी को 1948 के में गांधी जी को एक पर्सन ने गोली मारी जो एक ब्राह्मण था पुणे से जिनका नाम था नथू राम से वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़ पेपर के एडिटर थे तो उन्होंने कहा गांधी जी इज़ अ अपीज़र वो तो मुस्लिम्स को अपीज़ कर रहे हैं यानी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी वजह से इस एक्स्ट्रीमिज़म में उन्होंने गांधी जी को मारा तो इससे ये पता चलता है गोडसे ने सिर्फ इसलिए गांधी जी को मारा दैट ही वॉज ट्राइंग टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिमस एंड ही बिलीव दैट कि पार्टीशन ब्लड जो कुछ भी हुआ वो गांधी जी ने कराया क्योंकि गांधी जी हमेशा मुस्लिम्स के सपोर्ट कर रहे थे तो इसमें कितना सच है कितना झूठ हिस्टोरियंस ऑल दिस थिंग्स तो राइट नाउ गांधी जी डेथ लेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ अ ग्रीफ एंड हिज फ्यूनरल वॉज़ अटेंडेड बाई वेरियस सोशल पोलिटिकल ग्रुप्स तो जैसे ही उनकी डेथ हो गई गोली चलाते ही कुछ टाइम के बाद जब उनकी डेथ हुई डेथ से पहले उन्होंने कहा से को छोड़ दो तो डेथ के बाद ऐसा एक नया मंजर देखने को मिला दैट द होल नेशन ऑफ इंडिया बिगेन टू वीप पूरा हिंदुस्तान रो रहा था ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे सोशल पोलिटिकल ग्रुप्स ने उनकी आखिरी जो फ्यूनरल uh, प्रायर था उसमें पार्टिसपेशन की सो इवन सम इंटरनेशनल फिगर्स लाइक जॉर्ज औरवल जो नावलिस्ट हैं यूरोप के एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी गांधी जी की जो आखिरी रसूमा थी उनमें पार्टिसिपेशन की सो द टाइम मैगज़ीन ऑफ अमेरिका ये न्यूज़पेपर था अमेरिका का कंपेयर गांधी मार्टिडम टू दैट ऑफ अब्राहिम लिंकन यहाँ तक कि अमेरिका के न्यूज़पेपर ने गांधी जी की इस डेथ को या जिसको हम कहते हैं मार्टियर होना तो इसको कंपेयर किया इब्राहिम लिंकन के माटडम के साथ यानी उनकी शहादत के साथ तो इतना रेस्पेक्ट मिला गांधी जी को इवन आफ्टर डेथ सो दिस इज़ द पिक्चर शोविंग द डेथ ऑफ गांधी व्हेन ही वाज शॉट डेड बाय अ पर्सन नथू राम गोड से यू कैन सी हियर ही वाज शॉट एंड व्हाट हैड व्हेन ही वाज शॉट Dead by the person Nathuram Godse. This is the last picture, or we can say, picture of Gandhi after his death. This was the person Nathuram Godse who killed Gandhiji. This is the funeral pyre or funeral. प्रोसेशन ऑफ गांधी जी विच वॉज अटेंडेड बाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल नॉट ओनली फ्राम इंडिया बट फ्राम द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली फ्राम यूरोप एंड अमेरिका यू कैन सी हियर दीज पिक्चर्स टेल ए सो मनी थिंग्स अबाउट गांधीज़ हीरो डेज सो डर किड्स यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की गांधी जी के जो लास्ट डेज़ थे नाइनटीन फोटी एट में उनकी डेथ से पहले उन्होंने क्या क्या काम किए इवन ही ट्राई टू वंस अगेन मेंटेन द यूनिटी ऑफ पीपल बट दैट वाज नॉट पॉसिबल अब लेट हो चुका था देर हो चुका था और इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी थी नोविंग गांधी यानी सोर्सेज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आखिर गांधी जी के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानना है या जो कुछ भी हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जाना है वो किन सोर्सेज से हमें मिला है यानी कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है सो हिस्टोरियंस हैव यूज एंड कैन यूज़ टू रिकन्स्ट्रक्ट द पोलिटिकल करियरियरियर ऑफ़ गांधी एंड द हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया नेशनल मूवमेंट सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं राइटिंगस एंड स्पीच ऑफ गांधी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज जो भी गांधी जी ने लिखा चाहे स्पीच दिए या कहीं पर लिखा वो सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है उन सारी स्टेटमेंट्स को लिखा गया है और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है यानी मूवीज़ बनी है तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये सब स्टडी करने के लिए ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उसको जो इंसान खुद ही अपने बारे में लिखता है बायोग्राफी बोलते हैं उसको जो किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल डायरीज़ न्यूज़ पेपर्स मैगजीज़ वीकलीज़ तो न्यूज़ पेपर्स हों या मैगजीस हों या वीकलीज़ हफ्तावार जिनको हम उर्दू में बोलते हैं नेशनलिस्ट पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स जो नेशनलिस्ट लीडर्स ने बनाई जैसे भारत माता की पेंटिंग्स बनाई है या जो पेंटिंग्स जिसमें दिखाया गया है ब्रिटिशर्स किस तरह से रूल कर रहे थे या किलिंग्स किस तरह से हो रही थी इन सारी पेंटिंग्स को भी इम्पोर्टेंट समझा जाता है एज अ सोर्स टू नो अबाउट गांधी तो पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट वन इम्पॉटेंट सोर्स इज़ राइटिंग एंड स्पीच ऑफ गांधी एंड हिज कंटम्प्ररीज स्पीच अलो अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल वाइल प्राइवेट लीडर लेटर्स गिव आस ए ऑफ़ हिज और हर प्राइवेट थॉट्स तो पब्लिक स्पीच से पता चलता है कि लोगों के बीच में ये लीडर कैसा था इसी तरह से उनकी जो प्राइवेट लेटर्स थी उनसे पता चलता है कि पर्सनल लाइफ में उनका क्या आइडिया था वो किस तरह से रहते थे या किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा अपनी पर्सनल लाइफ में तो प्राइवेट थाट्स क्या थे सो गांधी रेगुलरली पब्लिश इन हिज जर्नरल हरीजन लेटर्स दैट अदर्स रोट टू हम नेहरू एडिटेड ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन टू हम जूरिंग द नैशनल मोमेंट एंड पब्लिश अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इन नाइनटीन फिफ्टी एट तो गांधी जी ने भी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखी नेहरू को नेहरू ने गांधी को बाकी लीडर्स को लिखी तो इन सारे लेटर्स को बाद में पब्लिश किया गया और इसका नाम पड़ गया अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो नेहरू जी ने बाद में पब्लिश किए यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ पिक्चर्स दिस डे दे, दैट ईयर एलेवंथ फेबरवरी 1933 हरिजन की एक पिक्चर है यू कैन सी हियर हरिजन वाज न्यूज़ पेपर ऑफ़ गांधी जी इन विच ही अपोज कास्ट सिस्टम बिकॉज ही बिलीवड दैट हरिजन इट मीनस दलित्स दे आर द पीपल ऑफ़ गॉड इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड में नेहरू जी ने 1958 में जो तमाम लेटर्स को पब्लिश किया एक बुक में तो उसकी पिक्चर दी गई है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स फ्रेमिंग अ पिक्चर बायोग्राफीज़ हूँ या ऑटो बायोग्राफीज़ हों वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉमेशन देते हैं एक पर्सन के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इस्पेली इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ तो राइटिंग एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ अ वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ़ यूअर सेल्फ जब भी कभी इंसान अपने बारे में कुछ लिखता है दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफ़ी और उसमें वो अपनी पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है यानी इंसान है कैसा वो सब कुछ एक्सपोज करता है तो गांधी जी के बारे में अगर और जानना है यू कैन रीड हिज़ बायोग्राफीज़ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ तो बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफीज़ रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ राइटर्स ओबैसली थॉट्स भी पता चलते हैं थ्रू पुलिस आइज़ क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में कभी सेम व्यूज़ नहीं हो सकते हैं सिमलर व्यूज़ नहीं हो सकते हैं इसलिए अक्सर लेटर्स या रिपोर्ट्स जो पुलिस मैन प्रोवाइड करते हैं ख़ासतौर पे जब कलिनियल रूल हो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो तो वो डिफरेंट वे में उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो एक हिस्टोरियन को एक स्टूडेंट को ये जरूरी ज़रूरी है कि वो रैशनल होना चाहिए ही शुड बी अ स्टूडेंट नॉट द सपोर्टर ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप्स नीदर पुलिस नॉट द पब्लिक तो ऐसी सिचुएशन में तमाम ऑफिशियल रिपोर्ट्स को डीपली स्टडी करना होता है और उस टाइम के अदर सोर्सेज को पढ़ना ताकि समझ में आए पुलिस ने रिपोर्ट क्यों दिया जैसे जलियानवाला बाग रिपोर्ट उसकी बात करेंगे तो वो पब्लिक की नज़रों में एक था और पुलिस की नज़रों में कुछ और था क्योंकि जनरल डायर ने जो ऑर्डर्स दिए थे उस टाइम पे उसकी पिक्चर कुछ और थी वो कुछ और कह रहा था लोग कुछ और कह रहे थे अगर सच में समझना है तो दोनों को हमें स्टडी करना होगा सो फॉर इंस्टेंस द रिपोर्ट्स प्रोड्यूसड बाय द होम डिपार्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ द साल्ट मार्च इसी तरह से जो साल्ट मार्च का जो इम्पॉटेंट एक इवेंट हुआ था उसके बारे में पब्लिक ने भी रिपोर्ट्स लिखे लीडर्स ने भी रिपोर्ट्स दिए न्यूज़ पेपर्स ने रिपोर्ट पब्लिश किए और साथ में गवर्नमेंट ने भी अपने रिकॉर्ड्स दिए लेकिन सब के सब बिल्कुल डिफरेंट है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं जहाँ एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट समझती थी कि ला ब्रेकर आ गया वहीं दूसरी तरफ से जो लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि हारिश ला ब्रेकर आ गया तो ये दो टर्म्स अगर समझेंगे इससे पता चलता है दैट पीपल सपोर्टेड द ला ब्रेकिंग ऑफ गांधी बट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव दैट इट वॉज़ टोटली एंटी लॉ मोमेंट तो इसी तरह से साल्ट मार्च को डिफरेंट तरीकों से दिखाया गया है कभी उसको रिजेक्ट uh, किया गया है कभी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया तो कभी उसको प्रेज किया गया सो दीज रिपोर्ट्स हैव प्रोजेक्टेड साल्ट मार्च एज अनलॉफुल एक्ट एंड रेजिस्टेंस टू द बेनवेलेंट ब्रिटिश राज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट थी इसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्टेटमेंट्स दी इसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये साल्ट मार्च किया तो ऐसी सिचुएशन में तमाम रिपोर्ट्स को सोच समझ के स्टडी करना और उन पर रिसर्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही कोई बात लिखना तो ये एक हिस्टोरियन एक स्टूडेंट का काम है फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स न्यूज़ पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाहे वो uh, कोई एक छोटी सी स्टेटमेंट क्यों ना हो चाहे छोटा न्यूज़पेपर हो लोकल हो नेशनल हो इंटरनेशनल हो तो हर एक न्यूज़पेपर उस टाइम की इंफॉर्मेशन देता है ख़ास तौर तो पर जो रिपोर्ट्स होते हैं इस्पेली किलिंग्स कितनी हुई कितने लोग मर गए क्या सिचुएशन थी इन सब चीज़ों के बारे में तो जो गवर्नमेंट ऑनर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ डिफरेंट होती है उन न्यूज़ पेपर्स से जो नेशनल होते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होते हैं जो लोगों के फेवर में होते हैं सो देयर आर पब्लिक न्यूज़ पेपर्स एंड गवर्नमेंट न्यूज़ पेपर्स दोनों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है उस टाइम के न्यूज़ पेपर्स का बहुत से न्यूज़ पेपर्स थे जैसे बंगाल गेज है इंडिया गजट है बम्बई जो हेयरलैड है या इसके अलावा यहाँ पे अमृता बाज़ार पत्रिका है या बंगदारना है या इंडियन स्टेट्समैन द हिंदू द ट्राइबून केसरी तो हिंदू जो मैंने बोला था उसी का एडिटर था नथुराम से इसी तरह से केसरी है या महाराष्ट्र है मराठा है या स्वदेशम स्वदेशम सित्रा है और इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ पेपर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है यू कैन सी हेयर इम्पॉटन्ट बुक्स रिटन जूरिंग दिस पीरियड तो गुलाम गिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी काज आफ द इंडियन म्यूटनी सरसद अहमद खान टो ऑल फाइटर्स ऑफ़ फ्रीडम वाई सोशलज़म जे पी नारायण पख्तून प्रॉब्लम्स ऑफ़ द ईस्ट लॉर्ड करर्जन माई इंडियन ईयर्स लॉर्ड हर्डिंग इकनिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त पत्थर पंच पर्सेप्ट जीजिज ए गिफ्ट ऑफ़ मॉर्थ ईस्टस सो ऑल दीज सोर्सिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नैशनल मूवमेंट एंड द नैशनल लीडर्स इस्पेशली द गांधी तो पेंटिंग्स की पहले हमने बात की है बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई है उस टाइम पे जिसमें दिखाया गया है ब्रिटिश रूल और उनकी अट्रॉसटीज़ उनकी जो ओसम थे हिंदुस्तान पर वो दिखाए गए हैं और साथ में ब्रिटिशर्स ने भी कुछ पेंटिंग्स बनाई है जिन में वो हिंदुस्तानियों को अनसिविलाइज बारबेरियस जंगली इस तरह का कैरेक्टर दिखाते हैं तो अपने रिस्पॉन्स में वो कहती है कि वी हैव सेव्ड इंडिया फ्रॉम ब्लड शेड अब ये किस हद तक सच है इन सब चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी है इन सारी जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करना तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी क्लोज़ हो गया अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में अपने कमेंट्स और जो शेयरिंग है वो आप ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़